हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है। मैं अपनी आज पूजा से स्टार्टिंग की वीडियो, मतलब वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। पूजा से उल्टा बोल जाती हूँ कई बार, तो उसके लिए सॉरी भाई। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है ठंडे ठंडे पानी से। अब गर्मी पड़ने लगी ना, तो थोड़ा सा ठंडा पानी से ही इनको स्नान कराती हूँ। और अच्छे से टॉवल से साफ कर दिया है इनको। और अब ना, जैसे इसलिए मैं आज सुबह से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा रही थी कि ना, अब जैसे थोड़ी सी गर्मी का मौसम आने लगा है, तो मैंने उनके जो वो वाले कपड़े थे ना, जो मीडियम, मतलब ना गर्मी के हैं ना सर्दी के हैं, तो उनको भी उठा के रख दिया है। क्योंकि जब अपने आप ही नहीं पहने जा रहे अब, तो हम अपने भगवान जी को भी कैसे पहनाएं। तो इसलिए मैंने इनकी ये जो गर्मी वाली पोशाक थी ये निकाल ली है। और ये ही आज फर्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो आज से ही मैंने ये वाली पहनानी शुरू की है। और सर गले में पहना दिया इनको एक छोटी सी माला, इनकी प्यारी सी है ये छुटकू सी। और साथ में इनको चंदन का तिलक किया है, और ऊपर से थोड़ा सा ना रोली का टिक्का लगाती हूँ, तो बहुत ही क्यूट से लगते हैं। और ये है इनकी नज़रिया, थोड़ी बड़ी है ये, क्योंकि जो मेरे लड्डू गोपाल का साइज़ है ना, वो 2 नंबर का है। तो इनकी इतने छोटे साइज़ की जो चीज़ें हैं इस तरह की पहनने की, हाथों के कंगन नज़रिया, तो वो कम मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ी लूज है, लेकिन मुझे अच्छे लगे तो मैंने पहना दिए। और ये सारा श्रृंगार करने के बाद इनको बैठा दिया इनके सिंहासन पे, और साथ में दे दी इनके हाथ में बांसुरी। आपको थोड़ा सा उल्टा उल्टा सा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये मतलब सीधे हाथ पे रखी है मैंने। और यहाँ पे साथ में तुलसी जी का एक वो रख दिया है पत्ता, और एक इनके मतलब भोग में भी रखते हैं। तुलसी के बिना कहते हैं भोग नहीं लगाना चाहिए ठाकुर जी को। तो मैंने यहाँ पे सुबह में जो चुलाई के लड्डू हैं उनका भोग लगा दिया है, और साथ में दूध। और बस ये देखिए, हो गई है पूजा। और साथ में ना मैंने माता रानी के भी कपड़े चेंज कर दिए हैं, गर्मी वाले ड्रेस पहना दिया इनको भी। और मतलब मेरे पार्ट हो चुके थे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा ही आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देख के बोर ना आए। तो हो गई है मेरी यहाँ पे आरती भी। आज मेरे गले में ना दर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। गर्म पानी लिया वो पीऊँगी, और खाने आज चावल है। आज कोफ्ते बनाती हूँ, शाम का टाइम है, शाम होगी। सुबह छोटी सी वीडियो बना के अब शाम में बनाऊंगी आज कोफ्ते चावल। घिया लिए थे सुबह ही, आज कोफ्ते बनेंगे। तो जी, अब शाम का टाइम है, सुबह की जो छोटी सी वीडियो है उसके बनाने के बाद मैं अब ना शाम को ही वीडियो बना रही हूँ। और मैं सोच रही थी आज मैं अपनी जो आवाज़ है वो यहाँ पे जो ओरिजिनल होती है वही दिखाऊंगी। ये मतलब क्या कहते हैं, बाद में वॉइस ना डालूं, लेकिन बेशक टीवी बंद है, लेकिन बच्चे शाम का टाइम है तो गली में खेलते रहते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से मुझे बंद भी करनी पड़ी। एक तो ये कारण है, और फिर अगर मैं पूरा दिखाती ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। और आपने ये वीडियो प्लीज़ पूरी वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपने लास्ट में वो भी दिखाए हैं, क्या बोलते हैं, जो मैं मतलब मार्केट गई थी, वहाँ से बच्चों के कपड़े लेके आई हूँ और कान्हा जी के कपड़े लेके आई हूँ, तो वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ। लेकिन आपको यहाँ से स्किप कवर के बिल्कुल नहीं जाना है, आप पहले ये वीडियो यहाँ से वीडियो देखिए। तो मैंने आज लौकी ली थी, और काफ़ी टाइम के बाद आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। तो थोड़ी सी लौकी को मैंने मतलब उबलने के लिए साइड में रख दिया है, रायता भी बनाऊंगी, जबकि गला पड़ा हुआ है, लेकिन आज खाना सारा कुछ है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कुछ अच्छा खाए बगैर भाई सच्ची। तो मतलब मेरा ना इस तरह का खाना खाने का ना 3-4 दिन के बाद मन कर जाता है, मेरे से रोटी नहीं खाई जाती, चावल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट हैं। तो इसलिए मैं कोफ्ते बनाए हैं और साथ में बनाऊँगी चावल। और तो बस मैं यहाँ पे देखिए सरसों का तेल चढ़ा दिया, और हमेशा ना मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि ना, ये जो वीडियो है ये 2 दिन की है, ये समझ के चलो आप, ये रात की है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, ये अगला दिन है। तो मतलब ये रात की वीडियो है, तो इसमें मैंने ये जो कोफ्ते बनाए थे मैंने ये आपको दिखा रही हूँ किस तरह से बनाए हैं। और साथ में आज मतलब
इसी दिन मैं मार्केट गई थी, जो बच्चों के कपड़े लेके आई थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को कद्दूकस कर लिया है और टमाटर को भी, और साथ में एक सिर्फ एक ही आलू को छोटे छोटे पीसेज में कट किया है। तो क्या कहते हैं बोल ले जाती हूँ, कोफ्ते बन गए थे मेरे। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से तड़का लगाने के लिए, इसमें ग्रेवी बनाने के लिए सरसों का तेल चढ़ा लिया एक बड़ा चमचा, और उसमें पहले कुछ खड़े मसाले डाले हैं मैंने। पता है क्या, अगर मैं यहाँ पे कैमरा रखती हूँ इसी के बिल्कुल ऊपर गैस के, तो वो सेट नहीं बैठता है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी सेट करने की। और मेरा आजकल ट्राईपोड हो रहा है ख़राब, तो इस वजह से मुझे ना दूर से ही दिखाना होता है। तो आप कई बार ये सोचते होंगे कि ऐसे हथेली पे सामान ले लेके ना इस तरह से कैमरे पे करती है, तो वो मैं ना इसीलिए करती हूँ ताकि आपको दिख जाए कि मैं ये चीज़ डाल रही हूँ। तो मैं खड़े मसाले डाल लेती हूँ, उसके बाद अब प्याज भून रही हूँ इसको हल्का गुलाबी करने के बाद। पहले इसमें कुछ मसाले डाल लूँगी, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च की जो क्या कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी थोड़ी सी कलर के लिए। वैसे हरी मिर्च मैंने डाल दी है। और ये ले ली है मैंने कसूरी मेथी, तो इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश करके, अभी लेके आई थी तो थोड़ी मतलब अच्छी है ये अभी, नहीं तो इन्हें सिलन सिलन सी होके ना बिल्कुल नरम हो जाती है और क्रश करो तो वो हो ही नहीं पाती। तो बस मैंने यहाँ पे आलू को भी डाल दिया है और साथ में जितना मुझे इसमें पानी चाहिए वो भी ऐड कर दिया है, और इसको पकने दूंगी। और तब तक मैं कर लूँगी यहाँ पे चावल उबलने की तैयारी। तो चावल को मैंने भिगो के रख दिया था काफ़ी देर पहले, मतलब जब तो मैं घिया ही कस रही थी लौकी, हमारे यहाँ पे ना लौकी को घिया भी बोलते हैं, तो मेरे मुँह से ना घिया भी निकल जाता है कई बार। तो क्या कहते हैं, मैंने चावल को भी रख दिया उबलने, और साथ में ये मेरे बनके हो गए हैं तैयार कोफ्ते, और वो भी बन गए हैं। और पता है क्या, अभी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो के लिए यहाँ पे प्लेट्स लगाई थी, तो ये मानो बोल रहा कि मम्मा इसमें मैं खाऊंगा, लेकिन फिर इन दोनों की ना आपस में लड़ाई हो रही है कि मैं खाऊंगा इस प्लेट में, मैं खाऊंगा, क्योंकि वो थोड़े से अच्छे से डेकोरेट करके मैंने रखी हुई थी। तो फिर कह रहा मम्मा, मानो ही मान गया, फिर कह रहा मम्मा चलो रहने दो आप, मैं ये खा लूँगा। तो चलिए फिर देखते हैं, मैं जो शॉपिंग करके लेके आई थी वहीं पे, प्लीज़ देख ले, नहीं है तो मैं अभी मंदिर से आई हूँ, और ये देखो वहाँ पे ना मंदिर में गुलाल भी खेल रहे थे, मतलब सबको लगा रहे थे पंडित जी, वैसे मैं भी चढ़ा के आई हूँ अपनी तरफ से। और अच्छा हुआ चल गए, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, मतलब मन खुश हो गया। तो वैसे ये जो मंदिर जाने वाली वीडियो है वो मैं कल डालूँगी, लेकिन उससे पहले जो रात की वीडियो चली हुई है ना, मैं उसका यहाँ पे जो मैं बोल रही थी कि सामान दिखाऊँगी वो दिखा देती हूँ। मैं कल गई थी मार्केट, तो वहाँ से दिखाऊँगी, कोई रुक जा, तो जो मैं सामान लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ आपको। पहले भगवान जी से शुरू करती हूँ। क्या बेटा, रुको बेटा एक मिनट रुको। तो सबसे पहले तो मेरे कान्हा जी के लिए कलरफुल ड्रेस होली की, ये देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ, क्यूट सी है, बिल्कुल सॉफ्ट, मुझे बहुत प्यारी लगी और मैंने ले ली। ये देखो है ना सुंदर, ये कैप है और ये है ड्रेस, क्यूटो सी। तो एक ये ड्रेस लेके आई हूँ कान्हा जी की। बेटा ऐसे नहीं करते मानू, हाँ। और एक ड्रेस कान्हा जी की, ये वाली इसके साथ ये पगड़ी है, और ये उनका पटका, मैं निकाल के दिखाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगी। ये देखो ये ड्रेस है कान्हा जी की, और ये इसके साथ पगड़ी है मैचिंग ड्रेस के साथ ही है, और ये ऊपर की जो चोली होती है वो, और ये है पटका छोटा सा, ये नेट में है, यहाँ से ये देखिए ये नेट है, और बाकी ये जो ग्रीन है ये कपड़ा है नॉर्मल कॉटन का, और ये वो है क्या बोलते हैं नेट है। तो एक ड्रेस मैं ये लेके आई हूँ, गर्मी के पर्पज से ना अच्छी है। तो दो ड्रेस तो मैं कान्हा जी के लेके आई हूँ, इनको बाद में रखूंगी। और अब आती है, तो मार्केट जाती मैंने सोचा मैं कि चल भगवान जी के कपड़ों,
भगवान जी के कपड़ों की शॉपिंग कर रही हूँ तो माता की भी एक ड्रेस लेके आ जाती हूँ। पता है कि जो मेरे पास वो ड्रेस थी ना, मैं वो पिछली बार जब लेके आई थी, अभी जो पीछे नवरात्रे गए हैं उसमें, बेटा टीवी बंद करके आओ एक बार, आप जाओ, जो ड्रेस लेके आई थी ना तो उसमें क्या था, उसमें एक प्रॉब्लम थी, दो ड्रेस लेके आई थी वो सेट नहीं बैठती थी माता जी के ऊपर, दुर्गे माता के, तो वो मैं चेंज कर आई हूँ। और वो भैया सच्ची दुकान वाले बहुत अच्छे हैं, वो कर लेते हैं। तो उसमें ना मतलब इस तरह की जैसे ना प्लेट्स नहीं बनी हुई थी, तो ऐसे खड़ी खड़ी रहती थी, तो मतलब पहनाने में ना गेटअप अच्छा नहीं आता था। तो ये वाली लेके आई हूँ, कैसी लगी माता रानी की भी ड्रेस, ये भी बताना। मानो निकालना बेटा ऊपर का, ये सुंदर है ना, जयपुरी स्टाइल है, दिखाओ। नहीं निकल रहा आपसे, रुको, ये देखो ये इस तरह से है, ऐसे पहन के ना ऐसे। और चुंदरी तो ये नवरात्रों के लिए लेके आई हूँ मैं माता रानी की, बाकी जो होली पे पहनाऊंगी वो भी बहुत प्यारी ड्रेस है, जो पिछले नवरात्र में पहनाई थी रेड कलर की, वो भी सुंदर है, लेकिन ये मैं नवरात्रों के लिए लेके आई हूँ। तो एक ड्रेस ये लेके आई हूँ और एक ड्रेस ये कान्हा जी की, और ये बहुत ही प्यारी, बस इसको ना मैं होली वाले दिन ही पहनाया करूँगी हर साल। अब प्यारी है ना मानो ये ड्रेस, क्योंकि इसमें रंग भी है, कलरफुल है। अच्छा तो ये तो थी भगवान जी के कपड़ों की, इनको यहाँ पे साइड में रख लेती हूँ। हाँ अब मानू खुश हो रहा है कि मम्मा मेरे कपड़े दिखाएगी, मानू बड़ा खुश होता है। तो मानू के लेके आई हूँ मैं, होली के लिए ही लेके आई हूँ बच्चों के कपड़े, सोच रही थी एक एक जोड़ी लेके आऊँगी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, पर फिर ना जैसे पसंद आते चले जाते हैं, तो चलिए ये भी ले लूँ कोई बात नहीं। तो ये मैं मानू की, ये वाइट है, इसमें कैसी दिख रही है, वाइट ही दिख रही है। तीन टी शर्ट लेके आई हूँ गर्मी की मैं, कलर चेंज है लेकिन डिजाइन कॉलर सेम है। ये देखो एक एक मानू की ये वाली लेके आई हूँ वाइट, पीछे से प्लेन है, आगे ये थोड़ा सा प्रिंट सा ही। एक ये लेके आई हूँ, ये लटक के लगाने पड़ेंगे। एक ये ब्लैक कलर की लेके आई हूँ मानू की, मानू के ऊपर ना कॉलर वाली ही अच्छी लगती है, अगर मैं इसे राउंड वाली बनाऊँ ना तो पता नहीं अजीब सा लगता है मुझे, मुझे ना कॉलर ही अच्छे लगते हैं इसकी जो टी शर्ट पहनाती हूँ मैं। और एक ये भी कॉलर वाली है, तो सबका डिज़ाइन कलर अलग है, कपड़ा सेम है, वही होजरी वाला कपड़ा है सॉफ्ट। तो तीन तो मानू की ये लेके आई हूँ टी शर्ट, और मानू के इतनी बेचैनी हो रही ना कल, पता जैसे दो लोवर लेके आई हूँ अभी और मानू के, तो इसने ना कल आते ही एक लोवर पहन लिया, नहीं मैं पहनूंगा ही पहनूंगा, और अब फिर इसने बटन खोलने शुरू कर दिए हैं, चल ले पहन ले। तो कौन सी पहनोगे, ये वाली, चल पहन ले तो ये वाली वाइट वाली, फिर होली वाले दिन पहनना है ना, होली का दहन वाले दिन, होली वाले दिन तो कपड़े खराब हो जाएंगे उस दिन, तो सड़े हुए आज पहन ले। हाँ ये वाली पहनाऊंगी होली का दहन वाले दिन, उस दिन नए कपड़े पहनते हैं ना, फिर अगले दिन तो नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कपड़े खराब हो जाते हैं। पहन देख ले जैसे करता हो। और ये लोअर लेके आई हूँ मानू का, ये देखिए ये नीचे से ना बंद वाले हैं, ये सही रहते हैं है ना, ये है लोअर, ये मानू का लोअर लेके आई हूँ, एक ग्रे कलर में है, वो इसने कल पहन दिया था, अभी मशीन लगाऊंगी उसकी धुलने की तो धुलेंगे भी। और अभिनव का एक ये अभी का लेके आई हूँ, ये अभी ने भी अपना एक पहन लिया है, अभी के दोनों सेम है मतलब कलर अलग है, ये जो डिजाइन है ये लाइन लाइन सी, और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा ये क्या लिखा हुआ है, रन 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 लिखा हुआ, उसमें फोन में तो उल्टा दिख रहा है। तो एक ये लेके आए, दो ये लेके आई हूँ अभी के, दो मानू के लेके आई हूँ, तीन मानू की टी शर्ट आई, अभी की टी शर्ट नहीं आई अभी, क्योंकि साइज जो अभी का है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था उन भैया के पास जिनसे मैं ये सारे कपड़े लेके आई हूँ, तो भाई ये लेके आई थी ठीक है। और हाँ आज मैं अभी जो मैं बता रही हूँ कि मैं मंदिर गई थी और वहाँ मतलब दर्शन करके आई श्याम बाबा के, तो वहाँ से भी मैं दो चीज़ लेके आई हूँ जिनकी मैंने अभी शॉर्ट्स वीडियो डाली है, तो मैं मेरा मन कर रहा है मैं उनको भी दिखा देती हूँ। मैं सोच रही थी कि ना वो वीडियो सिर्फ अलग से ही डालूंगी,
पर कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको बेटा। तो एक तो मैं ये बहुत ही प्यारी सी, ये देखिए है ना प्यारी, और मेरे पास ना बांसुरी है एक, तो वो मैं बांसुरी लगा दूंगी इनकी यहाँ पे हाथ पे, तो अच्छी लगी ना। हम तो ऐसे करते हैं। हाँ हाँ ये भी तो ऐसे कर रहे हैं। तो ये लेके आई हूँ एक, सोच तो रही थी अगली वीडियो में दिखाऊं, पर कोई बात नहीं मैंने दिखा दी, मुझे सबर नहीं है। हाँ यहाँ पे बांसुरी रखी जाएगी ना बेटा इनके हाथ पे, सुंदर है ना, ये देखो फेस बिल्कुल एकदम। पता है क्या, मैं जितनी भी मेरे मंदिर में मूर्तियाँ हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने यही चीज़ देख के आती हूँ, लाती हूँ जो मूर्ति लाती हूँ मैं भगवान जी की, कि ना उनकी जो फेस की जो फिनिशिंग होती है ना, जैसे ये बने होती हैं आईज नोज स्माइली, तो बेटा साइड में करो, तो वो बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं देख के लाई हूँ ये वाली। अरे मैं प्राइस बताऊँ इसका कितने की है, ये सिर्फ 100 रुपये की है, तो पत्थर में। हाँ लेकिन फ़ोन में आपको ज़्यादा बड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये बड़ी नहीं है, ये देखो मेरे हथेली के नाप की है। हाँ इतनी बड़ी है ये देखो मेरे कान्हा जी। अच्छा तो एक ये होंगे मेरे कृष्ण कन्हैया, और मैं ना गाड़ी के लिए वो ला रही थी, तीन बाण का जो निशान होता है ना, वो स्टिकर आते हैं आजकल सब ने अपनी गाड़ियों के शीशे पे लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे ना इसके पापा ने अभी के मना कर दिया कि नहीं वो फिर ना पीछे का दिखने में ना दिक्कत होती है, तो कह रहे कि नहीं वो मत लगा, अंदर बैठे हैं भगवान जी। तो मैंने सोचा कि चल मैं गाड़ी पर तो नहीं लगा सकती, तो मैं अपने घर में तो लगा ही सकती हूँ। तो मैं ये फ्रेमिंग वाला लेके आई हूँ, तीन बाणधारी, ये कहते हैं ना ये बहुत ही अच्छा होता है तीन बाणधारी। इस पे ना इसमें ना उल्टा दिख रहा है बेटा, क्या कर रहे हो मानो, 2 मिनट ठहर जाओ। ये देखो ये लिखा है उल्टा दिख रहा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये लिखा होता है, ये आपको वैसे पता ही होगा स्क्रीन पे वही लिखा था, लेकिन इसमें ना उल्टा दिख रहा है, हरि का सहारा बाबा का बाबा श्याम श्याम हमारा हमारा, ठीक है ये लिखा हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट में। मम्मा आपने टूटू बिंदी जो लगा रखी है। मैंने टूटू बिंदी आज इसलिए लगा रखी है क्योंकि मेरा ये सूट जो है ना ये येलो कलर का है, तो येलो कलर की, और जो इसके नीचे लेगिंग है पिंक कलर की, जो मैचिंग लेगिंग पहनी हुई है वो पिंक कलर की है, इसलिए मैंने मैचिंग बिंदी लगाई हुई है। तो जी ये था कुछ सामान, और मतलब भगवान जी के और बच्चों के कपड़े। तो आपको इनमें से क्या पसंद आया सच्ची बताना, माता रानी की ड्रेस या कान्हा जी के? वैसे तो सारा कुछ अच्छा है, मुझे पता है आप लोग बोलने वाले हो कमेंट में, दीदी आप जो कुछ भी लेके आए हो सारा कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आप बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मानू की टी शर्ट कैसी लगी? और मानू ने पहन लिया, एक मिनट दिखाऊं, ये देखो नीचे बैठ के देख नीचे। हाँ वीडियो लंबी हो जाएगी, चलो मैं इस वीडियो का ना यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना भाई, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलो ठीक है, ओके बाय, नीचे हो बाय करेंगे, बाय।